आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई खास वीडियो में, जिसमें मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ MI 11X की। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 15,800 मेरे को कैसे पड़ी, और ये जो अभी मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है। तो फॉर स्टार्टर्स, तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया है। अभी जो प्राइम सेल जो चल रहा है वहाँ पे, जो 26 से 27 का चल रहा है वहाँ पे लिया है मैंने। और मैं आपको आने वाली वीडियो में भी आगे बताऊँगा कि कैसे मेरे को ये 15,800 का, जो क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप किलर फ़ोन है एक, कैसे मिला मेरे को। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी पहले कर चुकी है, क्योंकि क्या पता डब्बे के अंदर फ़ोन ही निकले, टिकिया ना निकले, इसलिए तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ। तो चलिए लीड हटाते हैं यहाँ पे, और ये मैंने हटाया तो बॉक्स को यहाँ पे साइड में रखते हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय शाओमी, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। ओ, यहाँ पे हमारा फ़ोन आ गया, इसको यहाँ से निकालते हैं। अरे भाई साहब, क्या प्यारा फ़ोन लग रहा है, वाइट कलर में मैंने मंगवाया है इसको। और ये मतलब हैवी फील हो रहा है, लेकिन एक प्रीमियम लुक के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको मैं ऑन करके, कंटेंट यहाँ पे MI का लोगो आ गया और ये ऑन हो गया, मैंने यहाँ पे रख दिया। और बॉक्स कंटेंट चेक कर लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे ये तो खाली है, कुछ नहीं है ये। और यहाँ पे हमारा टाइप सी डाटा केबल होगा, क्या बात है। ये भी ऑरेंज एक्सेंट के साथ आ रहा है, देख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और जो इसका पावर ब्रेक है वो 33 वॉट का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये भी एक फास्ट चार्जर है, तो एक ये भी अच्छी बात है। ये बॉक्स कंटेंट है, और इसको भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या देखने को हमें मिलेगा। अच्छा, वाह, इसमें 3.5 हेडफोन जैक नहीं है, तो यहाँ पे एक अडाप्टर मिला हुआ है, जिसको आप कन्वर्टर भी बोल सकते हो। 3.5 mm से ये टाइप सी में कन्वर्ट करता है, तो दिस इज़ गुड, इसको हम साइड में रखते हैं। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और हमारा यहाँ पे कवर है, जो लोकल सा ही होता है ऑलमोस्ट, सच क्या ही बोलूँ मैं इसमें, मेरे को रिव्यू करने के पैसे तो नहीं मिले, तो मैं सच बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो यही हमारा बॉक्स कंटेंट है, यहाँ पे मेरा फ़ोन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं इसकी पन्नी को हटाता हूँ, इसकी पन्नी का आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, देखो। वाओ, ये जो फील है ना फ्रेश फ्रेश अनबॉक्सिंग की, ये क्या ही अलग आती है। इसको भी मैं निकाल ही देता हूँ, MI नंबर है ये, इसको मैं निकाल के इसी के लेड पे चिपका देता हूँ, काम आते हैं। तो चलो फिर, वाओ, MI UI 12 के साथ ही फ़ोन आते हुए। और इसकी बेसिक क्या बोलूँ, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले, तो इसके अंदर आपको मेन हाईलाइट जो इसका है वो है स्नैपड्रैगन 870 का जो प्रोसेसर है वो आता है, जो अ बिट फास्टर है। और इसका GPU भी अच्छा है, किससे, 675 से, तो ये ऑलमोस्ट 675 प्लस के इक्वल मान सकते हो इसको। और ये लेकिन इस साल आया है, तो ये अच्छा ही प्रोसेसर है थोड़ा सा, और ये प्लस 5G प्रोसेसर है। तो बॉक्स कंटेंट को हम साइड में रखते हैं, और फ़ोन को सेटअप करके आपको मिल। तो फाइनली यहाँ पे सेटअप पूरा हो गया, और ये मैंने कवर भी अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले नहीं मिलता है फिंगरप्रिंट, यहाँ पे साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिलता है, जो मेरे को बहुत फास्ट लगा। जैसे मैंने इस उंगली से भी खोला, और मैं जैसे टच करूँगा वैसे ही अनलॉक हो जाता है बिल्कुल, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। और इसकी जो स्क्रीन है वो एमोलेड है, तो बस फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले दे देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट फिर भी तो ये मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें। साइड माउंटेड मेरे को सही लगता है, मतलब ये मैंने खोला और ये मैंने टच किया और ये खुल गया बिल्कुल, मतलब बहुत फास्ट है, ऐसी बात नहीं है। और इसके अंदर कैमरा जो है इसका वो है 14 मेगापिक्सल, तीन कैमरे मिल जाते हैं आपको इसमें। तो जो प्राइमरी है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, एक आपको माइक्रो भी मिल जाता है और एक आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है, कुछ जो इस प्रकार दिखते हैं। उसके फ़ोटोज़ मैंने भी एक लिए हैं, जो भी आप देख सकते हो, डिटेलिंग्स भी है इसमें। और फ्लैश ऑन करके एक बार फ़ोटो खींचते हैं, वो देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है। तो ये मैंने किया फ्लैश ऑन, और मैं नॉर्मल 48 मेगापिक्सल पे गया, ये नॉर्मल है बिल्कुल। और ये मैंने किया क्लिक, फ्लैश ऑन दोबारा, और ये मैंने क्लिक किया। तो इसमें आप देखोगे, इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी आई होगी। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, भाई साहब, एक एक कर्न दिख रहा है मिट्टी का, देख रहे हो, तो ये कुछ अच्छी बात है इसमें। और आपको जिसको फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल दिखने को मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, कुछ इनबिल्ड आपको ऐप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसमें नेटफ्लिक्स है और जैसे कुछ कुछ है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन नेटफ्लिक्स एक इनबिल्ड ऐप को इंस्टॉल मिलता है, प्री इंस्टॉल ऐप मिलता है। और इसमें आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ तक चांसेस है, नहीं तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। और इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आ चुका है, जो है MI 12 का,
है ना, लेटेस्ट अपडेट आ चुका जो मैं अपडेट करूँगा अभी मैं। और जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल 11 है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसको चलो यहीं पे रैप अप करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कैसे मेरे को ये फ़ोन 15,000 का मिला। मैं आपको कैलकुलेटर ऑन करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर कहाँ इसका, ये रहा कैलकुलेटर। तो ये जो जो इसकी फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो भी सेल पे मिल रही है आपको 27,999 में। इसमें 5,000 एक्स्ट्रा आपको एक्सचेंज का मिलता है, उसको हमने माइनस किया। और जो मेरा फ़ोन है जो है रेडमी नोट 7 प्रो, उसको मैंने एक्सचेंज किया था, तो उसका मेरे को कम से कम 5,450 रुपीज़ मिला था। तो ये उसकी प्राइसिंग हुई। और इसकी जो बैंक ऑफ़र है 10% की, जो 1,750 रुपीज़ और मिलता है, तो उसको माइनस कर दूँ मैं 1,750 रुपीज़, तो मेरे को ये फ़ोन 15,799, तो 15,800 रुपये में फ़ोन मिला। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट डील है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि मेरे को फ़ोन एक्सचेंज करके ही लेना था। और तो ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इससे स्लीक डिज़ाइन भी है, 5G फ़ोन है, फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर सिक्योर रहेगा। कम से कम 2 साल बाद तो 5G आएगा, जब भी आएगा तो कम से कम चला तो लूँगा मैं इसमें। तो इस प्रकार मैंने इसको सोच के ले लिया। फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर रैपअप करते हैं। इसका जो गेमिंग टेस्ट है, जो मेन मैंने इस चैनल पे गेमिंग के लिए ली है इस फ़ोन को, तो उसके लिए भी मैं स्टे ट्यून रहिए आप, क्योंकि इसको मैं इस गेमिंग करके लाने वाला हूँ। और जो चैनल पे मेरा एक पोको M2 प्रो का गिव अवे चल रहा है, जो पिछले साल मैंने जो अनबॉक्सिंग की थी उसकी, और मेरे जो उसके डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जाके देखिए और लाइक करिए, उसको शेयर करिए। क्योंकि अगर इस चैनल पे एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो या तो M2 प्रो या तो उसकी प्राइस के इक्वल कोई फ़ोन का गिव अवे हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय बाय।